हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर योगिता रिद्वान। तो आज का जो टॉपिक है ये है बेडशीट फोल्ड करना, कैसे बेडशीट आप फोल्ड कर सकते हैं, हाउ टू फोल्ड योर बेडशीट। तो आज यहाँ पे मैं वार्म बेडशीट, जो गर्म बेडशीट है, वो फोल्ड करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही ईजी वे से मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप कैसे बेडशीट फोल्ड कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये बेडशीट है, डबल बेडशीट। इसको मैंने ऐसे इस टाइप से फोल्ड कर लिया है। तो एक बार मैंने ऐसे फोल्ड किया और फिर उसके बाद मैंने एक बार ऐसे फोल्ड किया, तो दो बार फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये फोल्ड हो गई है। अब इसके अंदर ये देखिए, अच्छे से इसको ठीक कर लीजिए और ये अच्छी तरह फोल्ड हो चुकी है। और उसके अंदर अब मैं जो पिलो कवर्स है उसके अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि पिलो कवर्स अंदर रखने से ये फ़ायदा होता है, आपके पिलो कवर्स गुम नहीं होते। फिर एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करूँगी और फिर ऐसे ये देखिए, ऐसे ऐसे राउंड राउंड करते हुए सर्कल सर्कल आपने पूरा ऐसे, एक ये एक स्टेप है, एक वे है, इस वे से आप रख सकते हैं। और एक वे और है, इसी को जब आप ऐसे करेंगे तो एक टर्न ऐसे ले लीजिए एक साइड से और ऐसे रख लीजिए, इससे ये ओपन नहीं होगा ईज़िली। तो ये सेकेंड वे है, तो ये टू वेज हो गए। तो ये देखिए, ये थर्ड वे है। थर्ड वे में ये भी डबल बेडशीट है। डबल बेडशीट को मैं एक साइड से ऐसे फोल्ड कर दूंगी पहले। तो ये देखिए, मैं इस साइड से फोल्ड कर रही हूँ और फिर सेकेंड टर्न लेना है, फिर सेकेंड साइड से फोल्ड कर लेना। इस वे में ऐसे रखनी है आपने और पूरी अच्छे से प्लेन कर लीजिए, मतलब कोई सिलवटे या कुछ इसमें ना हो। और ये देखिए, ये साइड आपने ऐसे रखनी है, लॉन्ग वाली साइड, और लॉन्ग वाली साइड से आपने एक हैंड का ऐसे गैप करते हुए फोल्ड कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे। तो ये देखिए, फिर इसको टर्न कर लेना आपने बैक साइड पे। इसको ये देखिए उल्टा कर देनी है, ये बेडशीट को पहले एक साइड फोल्ड करना है, फिर उसको उल्टी कर देनी है, बैक कर देनी है उसकी बैक साइड। और उसकी बैक साइड पर ये पिलो कवर्स रखने हैं साथ में, जो भी पिलो कवर्स वाली बेडशीट है उसके साथ पिलो कवर ज़रूर रखें, जिससे कि वो गुम ना हो। तो ये देखिए, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए इस वे से फोल्ड करना आपने, और दूसरी साइड है उसको भी सीधे सीधे ऐसे लेके जाना है और उसको भी ऐसे फोल्ड कर देना है, इसके ऊपर ही ऐसे फोल्ड कर देना आपने। तो ये देखिए, और सीधे सीधे इसको रखिए, ध्यान रखिएगा सीधे रहिए। और फिर ये देखिए, एक साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए आपने आना है, रोल रोल करना है पूरा। और फिर लास्ट में जो एक ये एक कॉर्नर है, इसको ऐसे उठाते हुए इसके अंदर ही आपने पूरा फोल्ड कर देना है, ऐसे रोल कर देना है और इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देना है। तो ये है थर्ड वे। ये वे भी बहुत अच्छा है, आप इजीली ऐसे रख सकते हैं, अपने बेड बॉक्स में रख सकते हैं, अलमीरा में रख सकते हैं बेडशीट्स को, जो प्रॉपर वे में ऐसे आपको दिखेगी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, अभी मैं फोर्थ वे से आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंगल बेडशीट ली है और मैं आज वार्म बेडशीट का ही बता रही हूँ। आप कोई भी बेडशीट इस वे से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, सिंगल बेडशीट को मैंने एक बार फोल्ड किया, फिर देन दूसरी बार फोल्ड किया, दो बार टर्न, जैसे ऑलरेडी मैंने लास्ट उसमें फोल्ड किया है वैसे ही आपने फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, अगेन ऐसे एक साइड आपने वन हैंड का गैप करते हुए लॉन्ग वाली साइड को और उसको फोल्ड कर देना ऐसे इस वे में। और ये देखिए, अच्छी तरह फोल्ड करके फिर देन उसको टर्न कर देना है। और जब टर्न करेंगे तो देख लेना आपका फोल्ड हुआ, निकला तो नहीं, फोल्ड हुआ सेम रखना आपने और अच्छे से इसको सीधा कर लीजिए। फिर देन ये देखिए, फोल्ड कर लेना एक साइड अगेन। और ये देखिए, अच्छे से फोल्ड कर दिया है, एक साइड टर्न ले लिया है और फिर देन अगेन दूसरी साइड भी उसके ऊपर ऐसे रख देनी है। और अच्छे से आप इसको ठीक कर लीजिए, कुछ इधर उधर ना हो जाए। और उसके बाद आपने रोल करना स्टार्ट करना है, जैसे आपने लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट वाली वे में, वैसे ही आपने रोल करते करते ऐसे ऊपर तक पूरा फुल रोल करना है। और लास्ट में ये देखिए, लास्ट में जो ये बच गया है, तो इसको आपने ऐसे, ये देखिए, इसको बेडशीट को इसके अंदर घुसा देना है, इसके अंदर डाल देना है ऐसे। ये देखिए, ये पूरी बेडशीट है,
वो अच्छे से इसके अंदर आ जाएगी। ये देखिए, इसमें ये जो वे है इससे ये आपकी बेडशीट है ये बिखरेगी नहीं। ये बहुत ही अच्छा वे है, ये बेडशीट आपकी इधर उधर नहीं होगी, कहीं पे भी आप फेंक दीजिए। ये देखिए, ये अगर गिर जाएगी तब भी आपकी जो फोल्डिंग है वो ओपन नहीं होगी। तो ये मेथड, ये वे बहुत ही अच्छा वे है। तो अभी फिफ्थ वे है, फिफ्थ वे में मैं आपको डबल बेडशीट का ही बता रही हूँ। तो ये डबल बेडशीट है, इसको मैंने एक साइड एक कॉर्नर में ऐसे पकड़ के अच्छे से एक बार फोल्ड कर दिया है और फिर दूसरी साइड अगेन मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वे में किया था वैसे ही कर रही हूँ। तो ये देखिए, ऐसे फोल्ड हो चुकी है। फिर देन अगेन एक और फोल्ड करना है, तीन फोल्ड करने हैं। तो ये देखिए, तीन फोल्ड हो चुके हैं इसके अच्छे से, और ये अच्छे से ऐसे हो चुके हैं इसके अच्छे से। सीधा कर लीजिए अगर कुछ बीच में इधर उधर हो गया है। और साथ में इसके जो पिलो कवर्स हैं वो साथ में ही रखिए, जिस जिस बेडशीट के पिलो कवर्स है पिलो कवर्स को साथ में रखिएगा, जिससे कि घूम ना हो, नहीं तो इधर उधर पिलो कवर हो जाते हैं तो फिर जब लगाना होता है तो ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक हैंड का ऐसे गैप करते हुए आपने फोल्ड कर देना है, दूसरी साइड भी एक हैंड का गैप करते हुए फोल्ड कर देना है, दोनों साइड से आपने फोल्ड कर देना है। एंड अगेन ये देखिए, इस टाइप से आपने फोल्ड कर दिया दोनों साइड, एंड लास्ट में दोनों साइड को ऐसे जोड़ देना है। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है। तो ये देखिए, अब मैं सिक्स्थ वे बताने जा रही हूँ। आप इस बेडशीट को भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये लिया है, ये है ब्लैंकेट का कवर या क्विल्ट का कवर, रजाई का जो कवर है उसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये रजाई का कवर है क्विल्ट का, तो इसको ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है, एक दो साइड वैसे फोल्ड किया और फिर अगेन मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया लॉन्ग वाली साइड से। तो ये देखिए, लॉन्ग वाली साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है। और इसको आप बेडशीट को भी कर सकते हैं, कुछ ब्लैंकेट को भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक हैंड का गैप करते हुए ऐसे फोल्ड करूँगी, ये देखिए, फिर दूसरी साइड भी ऐसे फोल्ड करना है अगेन, फिर दूसरी साइड भी अगेन फोल्ड करना है, और फिर लास्ट में एक एक हैंड का गैप करते हुए और लास्ट में इन दोनों को ऐसे जोड़ देना है। तो ये मेथड भी बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजीली आप फोल्ड कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी वे में आप। अभी मैं आपको सेवंथ वे से कैसे आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कवर अगेन, मैं क्विल्ट का कवर ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक साइड लॉन्ग वाली साइड से ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, फोल्ड कर दिया मैंने लॉन्ग वाली साइड से, और यहाँ पर फिर अगेन आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, दोनों साइड से आपने एक हैंड से ज़्यादा थोड़ा गैप ले लेना है और फिर उसको बैक साइड ऐसे मूव कर लेना है और फिर अगेन उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, अगेन मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ और फिर वहाँ से एक साइड से आपने ऐसे रोल करते हुए आना है, रोल करते हुए एक साइड से, और यहाँ पर ये रोल करते हुए लास्ट तक जाना है। और फिर जो लास्ट में ये देखिए कॉर्नर है, इसको एक साइड से ऐसे मूव कर देना है अच्छी तरह, और ये फोल्ड इस तरह से हो जाएगा और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको ब्लैंकेट को भी ऐसे कर सकते हैं, फोल्ड करके आप बेड के ऊपर रख सकते हैं अच्छे से सजा कर, और अपने अलमीरा में भी रख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है और आपकी फोल्डिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट है एट्थ वे। एट्थ वे से आप कैसे कर सकते हैं फोल्ड। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास है ये कवर है क्विल्ट का, डबल क्विल्ट का, डबल बेड क्विल्ट का। तो ये डबल बेडशीट को आप कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ये कवर है, रजाई का कवर है। तो ये देखिए, इसको मैंने अगेन एक दो बार इसको फोल्ड कर दिया, एक बार फुल फोल्ड किया और फिर अगेन दो बार ऐसे फोल्ड कर दिया और तीसरी बार अगेन फोल्ड कर दिया इस वे से, और फोर्थ टाइम फिर से फोल्ड कर दिया। फोर बार आपने फोल्ड कर देना अच्छे से, और फिर यहाँ पे ये देखिए, एक ऐसे करते हुए फोल्ड आपने थ्री बार ऐसे कर देना है। और ये बहुत ही ईजी वे है,
और नेक्स्ट है नाइन्थ वे से। नाइन्थ वे से ये अगेन कवर है और ये सिंगल कवर है, तो इसको ये देखिए मैं एक साइड से ऐसे फोल्ड कर दूंगी पहले, तो दोनों कॉर्नर लेके अच्छे से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए मैं दोनों कॉर्नर लेके अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ, फिर देन अगेन एक बार फिर से फोल्ड कर रही हूँ, दो बार फोल्ड हो गया और फिर एक बार फिर से थ्री टाइम्स फोल्ड कर लेना अच्छे से। और अब ये देखिए यहाँ पर एक बार फोल्ड कर लिया और फिर अगेन एक बार फोल्ड ऐसे किया और फिर अगेन इसको अच्छे से फोल्ड कर देना। ये वाला मेथड मैंने अगेन पहले टू टाइम्स हो गया ये वाला मेथड। ये थे कुछ मेथड, कुछ वे, कुछ स्टाइल जिससे आप बेडशीट को अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं और इसको आप अलमीरा में ऐसे सेट करके रख सकते हैं, बॉक्स बेड में सेट करके रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे वे हैं, अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही अच्छे वे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।